वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं बेटा, यूनिट 14, जिसका नाम है बायो मॉलिक्यूल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और उनकी टाइप्स क्या होती हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटे, बायो मॉलिक्यूल क्या है। दीज आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड और मैक्रोमोलिक्यूल विच आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल एंड आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ आर नोन एज बायोमोलिक्यूल। एग्जाम्पल ऑफ बायोमोलिक्यूल आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, एंटीऑक्सीडेंट, हार्मोन्स एक्सेट्रोप्स। देन कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, तो पुराने समय में तो कार्बोहाइड्रेट्स को ही सैकराइड बोलते हैं बेटा, SACCHARIDES। तो पुराने समय में कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते थे बेटा, यानी CXH2OY, ये इनका जनरल फार्मूला होता था। इनको बोलते थे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, नेम भी यहीं से मिला है बेटा, कार्बन के हाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट जो वर्ड है वो यहीं से आया है बेटा। लेकिन ये फार्मूला जैसे ग्लूकोज में तो फिट बैठता है बेटा, लेकिन और कई ऐसे बायोमोलिक्यूल हैं जहाँ ये फार्मूला फिट नहीं बैठता है। इसलिए जैसे एस्टिक एसिड है बेटा, उसमें भी क्या है बेटा, कार्बन तो दो हैं बेटा और H2O हैं वो 4 हैं बेटा, ये भी 2 हैं बेटा, कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 बेटा, कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2। लेकिन एस्टिक एसिड है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसलिए बेटे जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो ध्यान से आप देखें, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन। ये अंडरस्टूड है बेटा, इसका मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और कंपाउंड्स विच गिव सच सिंपल यूनिट का मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड सिंपल यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस आर कोल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, ये केमिकली ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, और वो कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देते हैं या कीटोन देते हैं, जब उनको वाटर से रिएक्शन करते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं बेटा। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो सुक्रोस, माल्टोस, लैक्टोस, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, गम्स एक्सेट्रोबिट। जो कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट होते हैं उनको सुगर्स बोलते हैं, और जो स्वीट इन टेस्ट नहीं होते उनको नॉन सुगर्स बोलते हैं।
जो टोलन रिएजेंट को एंड फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि वो फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप रखते हैं तो उनको रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। जो एल्डिहाइड कीटोन जो फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलन रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करते उनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। वो बॉन्डेड एल्डिहाइड और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप रखते हैं बेटा। तो कार्बोहाइड्रेट्स को ही बेटे सैकराइड भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट है बेटे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने के बाद किस टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, उसके बेस पे तीन टाइप का होता है कार्बोहाइड्रेट। नंबर वन मोनोसैकराइड्स। तो दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज टू गिव सिंपल यूनिट्स आर नोन एज मोनोसैकराइड्स। एग्जाम्पल आर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गलेक्टोज, मेनोज एक्सेट्रोज। टोटल मोनोसैकराइड्स इन नेचर आर 20 होते हैं बेटा, और दीज आर सोलूबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट, तभी इनको शुगर्स भी बोलते हैं बेटा। ये सभी वाटर में सोलूबल हैं, सभी रिड्यूसिंग शुगर हैं, इसलिए रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं, और ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं इसलिए इनको शुगर्स बोलते हैं बेटा। मोस्ट कॉमन शुगर्स है वो सुक्रोस होती है बेटा, टेबल शुगर बोलते हैं C12S22O11। नेक्स्ट है बेटा, और फर्दर भी हम डिवाइड कर सकते हैं बेटा, क्लासिफाइड कर सकते हैं मोनोसैकराइड को ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज एक्सेट्रोज बेटा। ओलिगोसैकराइड, ये अब की बार CBC बोर्ड में नहीं है बेटा, कोरोना के कारण रिमूव कर दिया है इनको। ओलिगोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव 2 to 10 मोनोसैकराइड यूनिट अपॉन हाइड्रोलिसिस आर नोन एज ओलिगोसैकराइड्स। जैसे सुक्रोस है बेटा C12S22O11, ये सुक्रोस है, ये शुगर है, केन शुगर है, शुगर केन है, टेबल शुगर है, इसका हाइड्रोलिसिस हम करेंगे बेटा तो हमें एंजाइम सुक्रेस होगा या इन्वर्टेस होगा बेटा, हमें एक ग्लूकोज मिलेगा और एक मोल क्या मिलेगा फ्रुक्टोज बेटा। ये ग्लूकोज है बेटा और ये है बेटा फ्रुक्टोज भाई। तो ध्यान से देखें बेटा कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन समझो बेटा। जैसे एक ग्लूकोज की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है बेटा, ये याद रखना पड़ेगा। OH इस साइड है, OH इस साइड है, H यहाँ है, OH यहाँ है, H यहाँ है, OH यहाँ है, H इस साइड है, H इस साइड है। इसको D प्लस ग्लूकोज बोला है बेटा, इसका नाम है D प्लस ग्लूकोज। D का मतलब है कन्फिगुरेशन, किस साइड H है, किस साइड OH है बेटा, और प्लस का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ रोटेट करेगा बेटा। तो डेफिनेशन क्या बताई थी कार्बोहाइड्रेट की, जो ऑप्टिकली एक्टिव पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पोलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ऑप्टिकली एक्टिव होते जो काइरल कार्बन रखते हैं। इसमें काइरल कार्बन कितने हैं बेटा, 1, 2, 3, 4 बेटा, 4 काइरल कार्बन है बेटा। ओके बेटा, और वो कंपाउंड जिनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें पोलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिलते हैं बेटा। और फ्रुक्टोज में क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा बेटे, और कोई चेंज नहीं है बेटा। तो ओलिगोसैकराइड बेटे जो 2 to 10 बेटे मोनोसैकराइड यूनिट देते हैं हाइड्रोलिसिस के बाद, वो ओलिगोसैकराइड जो 2 मोनोसैकराइड यूनिट देते हैं उन्हें हाइड्रोलिसिस उनको डाईसैकराइड बोलते हैं। जो 3 यूनिट देते हैं ट्राईसैकराइड, 4 टेट्रासैकराइड, 5 पेंटासैकराइड, 6 हेक्सासैकराइड, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9 नोना और 10 डेका। एग्जाम्पल हैं माल्टोस है, सुक्रोस है, लैक्टोज है, ये सभी डाईसैकराइड है बेटा। तो ये अब सिलेबस में नहीं है बेटा। तीसरे नंबर पे है बेटा पॉलीसैकराइड, ये भी कोरोना के कारण CBC ने इनको रिमूव कर दिया है बेटा, पॉलीसैकराइड बेटा। या तो ऐसे लिखेंगे बेटे कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव मोर देन 10 मोनोसैकराइड यूनिट अपॉन हाइड्रोलिसिस, और कार्बोहाइड्रेट विच गिव ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस आर नोन एज पॉलीसैकराइड्स।
पॉलीसेक्राइड हैं, डीज आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नॉन शुगर, दे कैन नॉट रिड्यूस टोलन रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, दीज आर इनसोल्यूबल इन वाटर। एग्जाम्पल की बात करें तो स्टार्च है बेटा, सेलुलोस है, ग्लाइकोजन है, गम्स है। तो इनका जो जनरल फार्मूला होता है C6H10O5N बेटा। दिस इज, जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा NH2O, स्टार्च है ये, तो यहां है बेटा डाइस्टेज एंजाइम, तो C6H12O6 ग्लूकोज बेटा। दिस इज, ऐसे ही सेलुलोज से ग्लूकोज बनेगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा बेटा। स्टार्च और ग्लाइकोजन अल्फा ग्लूकोज आके बताएंगे, इसमें बेटा बीटा ग्लूकोज, दीज आर पॉलीसेकेराइड। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर बेटा। रिड्यूसिंग शुगर कार्बोहाइड्रेट विच कैन रिड्यूस टोलन रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज दे हैव फ्री LDIG और कीटोनिक ग्रुप। एग्जाम्पल ऑल मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गलेक्टोज, मेनोज एंड डाइसेक्राइड लाइक माल्टोज एंड लेक्टोज। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कार्बोहाइड्रेट विच कैन रिड्यूस, विच कैन नॉट रिड्यूस टोलन रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज दे हैव बॉन्डेड LDIG और कीटोनिक ग्रुप, दे डू नॉट हैव फ्री LDIG और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल सुक्रोस, स्टार्स, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, गम्स एक्सेट्रोस। ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, शुगर एंड नॉन शुगर। कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट आर कॉल शुगर, ऑल मोनोसेक्राइड्स आर शुगर, सुक्रोस इज ऑल्सो शुगर, माल्टोज इज ऑल्सो शुगर, लेक्टोज इज ऑल्सो शुगर। नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट स्वीट इन टेस्ट आर नॉन एज ए नॉन शुगर। एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, गम्स एक्सेट्रा। तो एसाइक्लिक स्ट्रक्चर बेटा है, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर, फिशर स्ट्रक्चर बोलते हैं बेटा, फिशर साइंटिस्ट का नाम है, फिशर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बेटा। ये भी आपको बताई थी बेटा, ऐसे कैसे बेटे याद रखना है कि यहाँ OH है बेटा, यहाँ भी OH है, यहाँ H है बेटा, OH है, ये कन्फिगुरेशन है बेटा, इसको D प्लस ग्लूकोज बोलते हैं। और यदि हम बात करें किसकी बेटा, फ्रुक्टोज की बेटा, ये तो सेम रहेगा बेटा, ये है OH बेटा, एच है OH, OH है एच है बेटा, यहाँ OH है तो एच है, ये है D माइनस फ्रुक्टोज बेटा, स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट। कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाइड्रोजन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऑक्सीजन 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दिस इज ए साइक्लिक और फिशर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ए साइक्लिक और ये फ्रुक्टोज की है बेटा, स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट बेटा फ्रुक्टोज होता है।
ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, DEXTR, ग्रेप शुगर भी बोलते हैं बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। बार बार आपको एक ही बात कही जाती है बेटा, याद करने के बाद, चाहे वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, चाहे आपका कोई फॉर्मूला है, कोई न्यूमेरिकल पोर्शन है बेटा, याद करने के बाद उसको आप लिख के ज़रूर देखें, फिर आप मनन करें, तो फिर आपका उस टॉपिक के ऊपर पूरा एकाधिकार हो जाएगा बेटा, आपको फिर कभी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन। हैव ए नाइस डे।